नमस्कार, मैं बानू सिरमाली। चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने पर किस प्रकार से परिणाम प्राप्त होंगे? चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा शरीर का कारक है, चंद्रमा संबंध का कारक है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावत तो ताही के पास। जल में बसती है कमोदनी और चंद्रमा आकाश में, और उसकी दृष्टि पड़ती है कमोदनी पर, खिल उठती है, प्रसन्न हो उठती है, मुस्कुरा उठती है, देख करके प्रसन्न होती है। तो वैसे ही हमारे निकटतम नजदीकतम रिश्तेदार रहते हैं और उनसे हमारे संबंध नहीं है, उनको देख करके, एक दूसरे के बहुत निकट संबंध हैं और फिर भी एक दूसरे को देख करके आंखों में क्रोध की ज्वाला निकलती है। उससे तो अच्छा है 1000 किलोमीटर दूर कोई आपका मित्र रिश्तेदार रहता है और वो जब आपसे बात करता है तब आप प्रसन्न हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, तो वह दूर का भी हमारे हृदय के पास है। तो चंद्रमा मन का भी कारक है, तो संबंधों का भी कारक है। जिसका चंद्रमा शुभ है, अच्छा है, उसके संबंध अच्छे होंगे। अभी एक सर्वे हुआ है, काफी देशों को लिया गया साथ में, और उसमें कई धनाढ़ियों को लिया गया, बहुत ही उच्च धनाढ़ी, उच्च पद वाले, उच्च प्रतिष्ठा वाले, जिसके घर परिवार सुख समृद्धि व्यापार वगैरह सब अच्छा था, संतान सुख सब कुछ था, और उनमें से जो खुश रहने वालों को देखा गया, तो जिसके पास धन कम भी था, पद नहीं था, लेकिन वह खुश आनंदित रहने वाले व्यक्ति वो मिले जो अपने परिवार समाज से संबंध बनाकर रहते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि संबंध बनाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है, कुछ झुकना भी पड़ता है। तो जिनके संबंध गहरे थे परिवार वालों से, समाज वालों से, वह सबसे ज्यादा प्रसन्न नजर आए। तो जिसका चंद्रमा अच्छा है वह संबंध अच्छे रखेगा, अपने आप को प्रसन्न रखेगा। और चंद्रमा का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव तो हम स्वाभाविक तौर पर जानते ही हैं, सब पर पड़ता ही, पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु, जल पर, मन पर, माता का कारक चंद्रमा, तो इन सब पर आपको स्पष्ट प्रतीत होता है। अन्य ग्रहों का तो नहीं हो पाए, लेकिन यह तो स्पष्ट होता है। तो चंद्रमा जब समुद्र में ज्वार भाटा आ सकता है, 70 फुट 50 फुट 80 फुट पानी ऊपर उछलता है, तो 75% साइंस ये भी कहती है, 70-75% जल हमारे अंदर भी है, तो हम भी उससे प्रभावित होते हैं। जिसका जल का लेवल शरीर में बिगड़ गया, वह व्यक्ति मानसिकता से विकृत हो जाएगा, उसकी मानसिकता अच्छी नहीं रह पाएगी, कुछ न कुछ पागलपन के दौरे चंद्रमा अमावस्या को ज्यादा पड़ते हैं। अब चंद्रमा चतुर्भाव में होने से वह किस राशि का है, क्या अंक लिखा गया है, चतुर्थ भाव सुख भाव में चंद्रमा है मान लिया, लेकिन कौन सी राशि में, मित्र राशि में आती, मित्र राशि में, शत्रु राशि में आती, शत्रु राशि में बलवान है, या शुक्ल पक्ष के पंचमी से लगा करके कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का है, अमावस्या का है, पूर्णिमा का है, किसका है चंद्रमा, और उस पर कौन से सौम्य ग्रहों की दृष्टि है, यह सब बातों के बाद में चंद्रमा का प्रभाव। लेकिन फिर भी चंद्रमा अगर सुख भाव में है, आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, कौन सा अंक लिखा गया उसके आधार पर मैं बताऊंगा आपको, लेकिन कौन, फिर भी ये परिणाम तो प्राप्त होते ही होते हैं। व्यक्ति को पुत्र सुख, स्त्री सुख, धन विद्वान होने का सुख तो प्राप्त हो ही जाता है चतुर्थ भाव में। ऐसे व्यक्ति सर्वत्र गुणवान होते हैं, समाज में मान सम्मान मिल ही जाता है और पा लेते हैं। ऐसा मनुष्य दान देने में भी विश्वास रखता है और दान देता भी खूब है और समय समय पर दान देने वाला होता है और सुख के सारे साधनों का उपयोग भी कर लेता है। इसके मित्र अच्छे होते हैं, छोटे भाई बहनों से ही संबंध बना के रखता है। इसके वाहन सुख की खूब रहता है, सुखी भोगी त्यागी होता है ये व्यक्ति, वाहन वगैरह सब मिलते हैं इसको। जिस व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो, वह सरकारी क्षेत्र में भी लाभ प्राप्त कर लेता है, नौकरी मंत्री वगैरह बन सकता है, यह चंद्रमा की अवस्था पर निर्भर करता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से दयालु भी होगा, परोपकारी भी होगा, भावुक भी होगा,
उसमें आत्मविश्वास संतोष कुछ अधिक ही होगा। माता से संबंध अच्छे होंगे, मातृभक्त होगा। जब तक मातृभक्त होगा माता से संपत्ति भी प्राप्त हो करेगा, और माता जी का ये सम्मान करता है जिसका भाग्योदय भी अच्छा होता है, ये सब कुछ पा लेता है। जो चतुर्थ भाव में चंद्रमा है वह माता का सम्मान करे जबरदस्त, आपके संबंध अच्छे नहीं है संबंध बना ले, चंद्रमा मोती कितने ही पहन लो, जब माता के संबंध अच्छे नहीं होंगे आप मोती कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में, वह अपनी माता को देवी मानकर ही चलता है, वैसे तो प्रतिदिन उसका आशीर्वाद ले ही लो। किसी भी कार्य में करने से पहले माता जी का आशीर्वाद लेना ना भूलें, भाग्योदय चाहते हैं तो। माता जी का दिल दुखाया आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है तो व्यक्ति राजनीति में कुशल बन जाएगा। आप राजनीति में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, राजनीति चयन करना चाहते हैं, किस समय करना चाहते हैं, किस व्यक्ति से क्या काम लेना चाहते हैं, आप बखूबी समझते हैं, देश काल परिस्थिति को समझते हुए दूसरों अपने बराबर ही पाते हैं। जिसके चतुर्थ भाव में लगन से चतुर्थ भाव में चंद्रमा होगा, वह व्यक्ति जल से संबंधित कोई कार्य करता है अचूक धन मिल जाता है, समुद्री व्यापार करता है, सफेद वस्तु का व्यापार करता है, जहाजों के द्वारा माल ले जाकर दूसरे देश में बेचकर धन कमाता है, आयात निर्यात का कार्य श्रेष्ठ रहता है, रत्नों का व्यापार भी इनके लिए श्रेष्ठ है चतुर्थ भाव में जिसकी चंद्रमा है। चंद्रमा का राशि के अनुसार, यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा वृषभ राशि का है, तो ऐसा व्यक्ति ससुराल से भी धन मिल जाता है। ऐसा जातक भाग्योदय विवाह के बाद होता है। ये चंद्रमा मेष सिंह धनु, ये बात एक नोट करना मेरी, मेष राशि का, यानी कि एक लिखा हुआ अंक, पांच अंक लिखे हुए हैं या नौ अंक लिखे गए लिखे हुए हैं, पुरुष राशि का तत्व का हो तो पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, या उसे किसी कारणवश छोड़ना पड़ता है। जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, हाँ, परंतु व्यक्ति स्वयं के पुरुषार्थ से धन अर्जन कर लेता है। अतः ऐसे व्यक्ति जातक पैतृक संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। मिल गया तो ठीक, न मिला तो अच्छा, ऐसा मानकर पारिवारिक संबंध बनाए रखना चाहिए। पुरुष राशि में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को नया घर अवश्य बनाता है अपने जीवन में। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव का चंद्रमा बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देता है। हाँ, ये बात नोट कर लेनी चाहिए, मेष राशि का या धनु राशि का अगर चंद्रमा है तो पैतृक संबंधी समस्याएं आपके उत्पन्न हो ही जाएगी कोई न कोई कारणवश। अब मैं अगले पंचम भाव में चंद्रमा को लेकर के आपके सम्मुख जल्दी उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए अनुमति लेना चाहूंगा, और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक काफी आपके पसंद के दे रखे हैं, आप अवश्य देखिएगा। ये आपका अपना चैनल है, अवश्य लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आशीर्वाद, नमस्कार।